नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम बात करेंगे अपने एपिसोड 3 की, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं। जैसे कि अगर समझे कि जो हमने पहले भी बात की थी और फिर से हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ 5 ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कुछ ऐसी 5 टिप्स होती हैं जिससे हम समझ सकते हैं किसी भी टेंस को समझ सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी भी टेंस को, किसी भी टेंस के अंत में देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर चुका चुके चुकी, यानी कि चुका चुके चुकी, ये वर्ड वो वर्ड होते हैं जो वर्ड कंफर्म करते हैं कि कोई काम पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं घर जा चुका हूँ, राम खाना खा चुका है, इट वॉज लाइक कन्फर्म, वो कन्फर्म हो चुका है। तो अगर चुका चुके क्योंकि जैसे शब्द आते हैं तो वो क्या होता है, वो परफेक्ट को इंडिकेट करता है। दूसरा, अगर चुका चुके चुकी के साथ साथ है जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो हमें किस चीज के लिए बताते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। हमने पीछे भी बात की थी और अब आगे भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो उसे हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। ओके, वर्तमान पूर्ण काल क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, यानी कि जो प्रेजेंट है उसको वर्तमान कहते हैं। पूर्ण काल का मतलब होता है परफेक्ट, जो पूर्ण काल यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है परफेक्ट। ओके, अब पूर्ण काल का अर्थ क्या होगा कि कोई कार्य पूर्ण हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि परफेक्ट हो गया है। अब जैसे माँ खाना बना रही है, हमने पहले बात की थी माँ खाना बना रही है, और अब हम बात करेंगे माँ खाना बना चुकी है। ओके, तो ऐसे समझते हैं, आपके पास में कुछ यहाँ पे सैंपल्स दिखेंगे, इनको अगर आप समझे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इंडेफिनेट वाला कोई भी टर्म आता तो उसमें हम क्या बात करते, आई डोंट नो। ओके, और अगर कॉन्टिन्यूस वाला कोई भी टर्म आता है तो हम क्या बात करते हैं कि वो इन प्रोग्रेस है। और अगर मान लो कि परफेक्ट का कोई भी है, जैसे परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या आता है, डन, जैसे कि आपको दिख रहा है डन आ रहा है। ओके, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, यहाँ पे आता है कंप्लीट बट कंटिन्यू। जब ये वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट के हिसाब से चलेंगे। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको समझने का एक एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। किसी भी टेंस के अंत में देखो, हमेशा पहली चीज, दूसरी चीज एंड टेंस के थोड़ा सा पीछे देखो। तो जब आप पीछे देखोगे तो आपको चुका चुके चुकी जैसे शब्द मिल रहा है, तो जो चुका चुके चुकी कन्फर्म कर रहे हैं कि वो काम हो चुका है, वो काम पूरा हो चुका है, वो काम वो सो चुका है, वो खाना खा चुका है, वो जा चुका है, वो जाएगा, जो भी है वट एवर है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा, कि हमने इससे पहले क्या बात की, हमने इससे पहले बात की कि अगर उसमें है जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो कंफर्म करते हैं कि जब है तो वो वर्तमान को बताते हैं, और अगर सॉरी हाँ वो वर्तमान को बताते हैं, और अगर चुका चुके चुके जैसे शब्द आ रहे तो परफेक्ट बताते हैं। और जब इस पूरे सेंटेंस को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे समझ में आया, देखो राम हमारा सब्जेक्ट है, हम सबको पता है राम हमारा सब्जेक्ट है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्राइम होता है, लेकिन वो सबसे पहले आता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सब्जेक्ट है वो पहले रहता है। जो घर है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास में। ओके, तो जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है, घर हमारा ऑब्जेक्ट है, जा हमारा वर्ब है, क्योंकि वो अगर राम अगर घर जाएगा तो कैसे जाएगा ना, क्योंकि उसके पास एक प्रोसेस है, वो क्रिया है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। तो जब आप क्रिया कोई करेंगे, जब आप कुछ करेंगे तब तो जाएंगे ना घर, क्या बैठे बैठे चले जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे राम हमारा क्या है, हमने बात की है, फिर से बात करते हैं, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, घर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जा हमारा क्या है, वर्ब है। तो यानी कि हमें 3 चीजें पता चल गई। लेकिन जो चुका है, चुका से कन्फर्म होगा कि परफेक्ट है, और अगर है आया तो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले की बात करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले इसी के हिसाब से तो हमने इसमें बात की, इसमें आप समझ सकते हैं कितने सारे चीज निकल रही फॉर्मूले को बनाने के लिए। पहला हमारे पास में आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि ये वर्ब है। अब ये जो चीज है इससे कंफर्म होता है कि जो वर्ब में हम चीजें यूज करेंगे, सपोज वो B1 होगा कि B2 होगा या B3 होगा। B1 का मतलब होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, यानी कि उनकी जो फॉर्म्स होती हैं, तो उसको भी समझते हैं। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आया निकल के, वो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट
हैज हैड, ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होता है. ओके, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है और फिर उसके बाद में B3, यानी कि हमने बात की थी ना फॉर्म, तो ये B3 है. तो हैज हैड क्या है, इसको थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, एक सेंटेंस को निखारने के लिए उसमें चीजें ऐड की जाती हैं. तो सब्जेक्ट के साथ में हैज हैड हो गया, ठीक है, B3 हो गया. यानी कि जैसे अगर हम बात करें फाइट की, तो फाइट एक B1 है और फॉट B2 है और फॉट B3 भी है. तो ऐसे भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. अब हम जैसे देखते हैं B1 B2 B3. तो जैसे B1 क्या है, हमारा B, तो उसका जो B2 फॉर्म होगा वो क्या होगा, वाज या वर होगा. उसका B3 फॉर्म क्या होगा, बीन होगा, ठीक है. ऐसे ही बीट, बीट मतलब क्या होता, पीटना. अब यहां पर जो बीट है ना, ओके सॉरी, एक्चुअली यहां पर बीट आएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, बीटेन आएगा. ओके, नाउ डांस, जो डांस है डांस, ठीक है, डांस डांस में डांस आएगा और डांस आएगा, ठीक है. इसके बाद बिगिन, बिगिन बिगिन बिगिन. ओके, तो हमें फाइट का भी पता चला, फाइट फॉट फॉट, तो आपको समझ में आ गया ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं. अब देखो, पर्सन रूल इन परफेक्ट टेंस. पर्सन रूल क्या होता है, पर्सन रूल के ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे अभी हमने जो ये चीजें पढ़ी हैं, इस चीजों के अलावा भी हमने एक चीज समझी थी कि हेल्पिंग वर्ब, जो हमने हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए हैज कहाँ पे यूज होगा, हैज कहाँ पे यूज होगा, हम उसकी बात करेंगे. ओके, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सन रूल इन परफेक्ट टेंस. तो कुछ नहीं करना है आपको, पर्सन यहाँ पे दे दिए. पर्सन 3 कैटेगरी के होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है. तो देखो सिंपल सा होता है, जो जैसे फर्स्ट पर्सन है, ओके, सो फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या यूज होगा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मतलब आई, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो पर्सन से, मैं समझाता हूँ कैसे. जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारा आई है और वी है. तो जब भी सिंगुलर में अगर कोई भी ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन है और आई है, तो हैव का यूज होगा, और अगर प्लूरल में है तो उसे हम वी कंसीडर करेंगे, तो वी के साथ भी हैव का यूज होगा. ओके, सेकंड पर्सन क्या होता है, थोड़ा और इजी करता हूं उसको. सपोज मान लो कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकंड पर्सन जो मेरी वीडियो देख रहा है, ओके, थर्ड पर्सन वो जिसको आप मेरे बारे में बता रहे हो कि अमित सर वीडियो बनाते हैं. तो यहां पर ये चीज समझने वाली बात है कि जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि मैं हूं और मैं अपने थ्रू सेकंड पर्सन यानी कि आपको समझा रहा हूं, और जो थर्ड पर्सन है उसको आप मेरे बारे में बताएंगे. तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो यू है, और यहाँ पे देखो दोनों में यू प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसमें यू यू ही रहता है. तो यू के साथ हैव का यूज होता है और यू के साथ हैव का यूज होता है, ठीक है. बट जहां पे मेन पॉइंट है, आप एक भी एक चार्ट को देख करके आप इतना समझ जाओ कि जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है उसमें सब में हैव का यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं. बट जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा खेल सिंगुलर में, जब भी थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, यानी कि थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तो हमेशा ही शी इट नेम, यानी कि नेम मतलब अमित सुमित रमन चांदनी युमांशी कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके साथ हैज का यूज होता है. ओके, और यहां पर दे हैव, दे हैव का मतलब क्या, क्योंकि देखो दे है, दे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का यूज होता है. ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा हम कुछ वेरिफिकेशन कर लेते हैं इस चीज का, कि हम जो कर रहे हैं या जो हमारा काम करने का तरीका वो सही है या नहीं. तो हम उसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, मैं घर सॉरी मैं घर जा चुका हूँ. तो जो मैं घर जा चुका हूँ इसको कैसे समझते हैं, देखो हमने पहले भी इस पर बात की थी, अब हम फिर से ब्रीफली बात कर लेते हैं. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कि यहाँ पे सेंटेंसेस है, तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब B1, ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस, ये बनता कैसे. तो आई के साथ हमने क्या बात की थी, वहां पे आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, तो हैव आई हैव हो गया. B3 क्या है हमारा, गो गोन, क्योंकि B1 B2 आई थिंक बेंट होता है, तो B3 क्या होगा, गोन होगा. ओके, यहाँ पे क्या होगा, होम, तो आई हैव गोन टू होम. आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे बोलने का तरीका है, हम जिस तरीके से कंफर्टेबल हो सकते हैं इंग्लिश को बोलने में, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव टू गोन, आई हैव गोन होम. ओके, आई हैव टू गोन होम. ओके, यहाँ पे शी यानी कि वह घर जा चुके. अब शी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने ही शी के बारे में बताया था कि जब लड़का हो तो हम ही का यूज करेंगे, लड़की होगी तो शी का यूज करेंगे. तो शी के साथ में शी हैज, क्योंकि हमने पहले रूल में क्या बात की थी,
आपको याद होगा हमने पहले रूल में बात की थी कि अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हमेशा हैश का यूज होता है। ओके तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, शी हैज गोन होम, शी हैज गोन टू होम, ठीक है। वे क्योंकि दे है, अब दे प्लूरल भी हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव गोन होम, ठीक है, वह घर जा चुके हैं, हम घर जा चुके हैं, वी हैव गो गोन होम, चांदनी घर जा चुकी है, चांदनी हैज गोन होम, सॉरी टेम्पल, चांदनी मंदिर जा चुकी है, चांदनी हैज गोन होम टू टेम्पल। तो जब आप शब्दों को सहूलियत दोगे तो आपका समझ में आएगा कि हाँ इंग्लिश कैसे बोली जाती है। क्योंकि अगर आप कभी भी देखो तो आई के साथ आर का यूज कभी होता है नहीं, क्योंकि आई एम द गुड बॉय, आई एम इन द क्लास, तो ये चीज बोलने में आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो इससे समझ में आता है कि इंग्लिश जो है वो हमारे कंफर्ट के हिसाब से है, ना कि कोई भी चीज के साथ। जब वो चीज हमारे कंफर्ट के हिसाब से, तो उससे हमने एक सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट वाइज लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के रूप में, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे चांदनी हैज गोन टू टेम्पल, ठीक है, क्योंकि हमने बोला जब भी थर्ड पर्सन आए नेम, क्योंकि थर्ड पर्सन में ये नेम है और नेम के साथ हमेशा क्या आता हैज आता है, ठीक है। वह क्या है, शी, शी हमने बात की थी ना, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो वह नाच चुकी है, तो वह शी हैज डांस, उसे डन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता वह घर पर नाच चुकी है, तो यहाँ पे होता शी हैज डांस एट होम। ओके इसके बाद अमित घर जा चुका है, अब यहाँ पे सिंपल है, अमित हैज गोन एट होम। तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आपको आ गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कमेंट अगर आपको छोड़ना है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं उसको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगा, सॉरी आप मुझे फीडबैक देंगे, और आप फीडबैक देंगे तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। ओके इसके साथ साथ आगे की वीडियोज भी आती रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच।